नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है ना वो है फिल इन द ब्लैंक। लाइक आपको क्या है, पैसेज दिया है जहां पे 21, 22, 23, 24, 25 लिखा दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, दिस आर लाइक ब्लैंक्स। ठीक है, आपने क्या करना है अब इन पे करेक्ट जो वर्ड है, जो ऑप्शन आपको नीचे चार दिए हैं, फॉर एग्जांपल 24 के 21 के लिए यू हैव फोर ऑप्शंस, आपको करेक्ट ऑप्शन को क्या है 21 की जगह पे फिल करना है। सेम विद 22, 22 के लिए भी आपके पास चार ऑप्शंस है, करेक्ट ऑप्शन को आपने 22 की जगह फिल करना है। सेम विद 23, आपके पास चार ऑप्शंस है, करेक्ट को फिल करना है। सो इसको करने का एक बेस्ट तरीका है क्या है, स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ते पढ़ते साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, लाइक एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ना है हमें। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ओनली 4 years old, आई वॉज ओनली, वॉज शोज टेंस किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। ठीक है, आई वॉज ओनली 4 years old, डैश माई डैड वॉज वर्किंग विद एलिफेंट। पास्ट की बात है तो पास्ट के लिए वेयर होता है जगह के लिए, वाई होता है पूछने के लिए क्यों, हाउ कैसे, वेन बताते हैं कि जब, पास्ट के लिए। ठीक है, आई वॉज ओनली 4 years old वेन माई फादर, यानी वेन माई डैड वॉज वर्किंग विथ एलिफेंट्स, लॉयंस एंड टाइगर्स। सो यहाँ पे सिंपली हमने क्या फिल करना है, वेन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट। आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वेन आई डैश, अब पास्ट में चल रहा है तो ऑफकोर्स हमें यहाँ पे क्या है, डैश फिल करना है। डैश में क्या आएगा, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हेन आई डैश यानी कि आई वाज, आई एम नहीं, पास्ट है तो ऑफकोर्स वाज, यहाँ पे हमारे पास वर आई के साथ वर नहीं लगा, एम प्रेजेंट की और इज भी प्रेजेंट की तो ये भी नहीं लगा, तो बचा क्या, वॉज। तो व्हेन आई वॉज 14 आई वॉज ऑलरेडी टेकिंग केयर डैश एंड रेजिंग बेबॉन्स एंड लॉयन कप्स। ओके, टेकिंग केयर डैश, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना, टेकिंग केयर, केयर किसी की रखी जाती है ना, तो टेकिंग केयर ऑफ है ना, आई वॉज ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ रेजिंग बेबॉन्स एंड लॉयंस कप्स, लियोपार्ड कैट्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे फिल करते हुए देखते हैं, एट 17 जब 17 साल का हो गया, आई बिगेन वर्किंग प्रोफेशनली डैश एलिफेंट्स, डैश फिल करना है प्रोफेशनली किसी एलिफेंट, एलिफेंट के साथ काम करने को, तो प्रीपोजिशन क्या आएगी, प्रोफेशनली विद एलिफेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन अगेन लगाएंगे, विद। ओके, आई डिड दैट फॉर 8 years, मैंने ये काम कितने टाइम तक किया, 8 साल के लिए, देन डैश इट अप, देन डैश इट अप क्या होगा, गिव इट अप, राइट, डी ऑप्शन। आई हैव बीन वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस सिंस देन, सारा पास्ट में तो ऑफकोर्स पास्ट ही वर्ब लगेगी, पास्ट ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा ऑफकोर्स। ठीक है, तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें समझ आता जाएगा कैसे कैसे हमें फिल करना है। पंकज, फाइंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बच्चे, ठीक है, उसका क्या है, ऑपोजिट बताना है आपने, करेक्ट। सो द फर्स्ट इज अनॉर्मस, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड अनॉर्मस, अनॉर्मस का ऑपोजिट क्या होगा, प्लीज चैट बॉक्स में आंसर। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, इज सी, गुड, टाइनी। नेक्स्ट, पर्टिनेंट, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ पर्टिनेंट, pertinent means relevant, इसका क्या हो जाएगा, irrelevant, D is the right answer. Condemn, condemn, condemn क्या होता है, बुराई करना है ना, तो इसका opposite क्या होगा बुराई करने का, तारीफ करना, तो तारीफ को English में क्या कहते हैं हम, praise, so is the right option. Okay, frugal, frugal, sorry, फ्रुगल, फ्रुगल क्या होता है, फ्रुगल माने कंजूस, इट्स ए एक्स्ट्रावेगेंट, जो कि बहुत ज्यादा खर्चीला, राइट। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस,
हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का ऑपोजिट, हिंड्रेंस का ऑपोजिट, वेल डन शिवमंगल, इस बी प्रसुएशन। नेक्स्ट हम इडियम्स की तरफ चलते हैं। ओके, आपको क्या है, इडियम दिया है, फ्रेजेस प्रवर्ब्स दिए हैं, इनका आपको क्या है, करेक्ट मीनिंग फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और प्रवर्ब्स। सो द फर्स्ट इज टू ड्राइव होम, इसका मतलब क्या होता है, टू ड्राइव होम। सभी चैट बॉक्स में से आंसर देख के दे रहे हैं ना, टू एम्फसाइज। ओके डी। एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक, टू रूइन हिमसेल्फ, अपने आप को तबाह कर लेना, टू एंड इन स्मोक। ओके, इन अ निक ऑफ टाइम, इन अ निक ऑफ टाइम, इट्स ए जस्ट एट द राइट मोमेंट, एकदम सही टाइम पे, करेक्ट। नेक्स्ट इज टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू हिट द नेल ऑन द हेड मीनिंग यस, टू डू द राइट थिंग, सही काम करना बिल्कुल सही टाइम पे, बिल्कुल। ओके, सिटिंग ऑन अ फेंस, ये मैंने जब ईडीएम करवाया था तभी भी बताया था, सिटिंग ऑन अ फेंस। फेंस क्या होता है, बैरियर टाइप होता है ना, जिसपे बैठे होते हैं वो ऐसे लकड़ का, है ना, तो सिटिंग ऑन अ फेंस बाउंड्री। यस इट्स बी, हेल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, वेल डन। नेक्स्ट इज ओके, चूज द वर्ड एंड फ्रेज विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। प्लीज, डायरेक्शन सभी को रीड करने की आदत होनी चाहिए, ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना हो जिसे डायरेक्शन पढ़ने की आदत ना हो। प्लीज रीड द डायरेक्शन फर्स्ट, चूज द वर्ड फ्रेज विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। फर्स्ट इज काउंटरफीट, काउंटरफीट का मीनिंग एक्सप्रेस करने वाला आपको एग्जैक्ट यानी कि सिनोनिम आपको ढूंढना है। सेकंड वर्ड ऐसा जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग को क्या है या नियर अबाउट मीनिंग को क्या है एक्सप्लेन करे, ठीक है। 36 का है काउंटरफीट, काउंटरफीट का आंसर क्या होगा, यस प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्यूटाइल, प्लीज गिव मी आंसर, जल्दी से आंसर दो। हाँ जी प्लीज, फटाफट आंसर। वेरी गुड, शिवमंगल का बिल्कुल सही है, बाकियों का गलत है। शिवमंगल ने आंसर बिल्कुल सही दिया, ए फ्रूटलेस। शिवमंगल, फ्रूटलेस का क्या मतलब होता है, फ्रूटलेस तो सबको पता है, चलो फ्यूटाइल बताओ क्या मतलब होता है, हिंदी क्या होती है फ्यूटाइल की, बेकार होता है फ्यूटाइल का मतलब वेस्ट, ठीक है, मतलब फ्रूटलेस। ओके कैनी, कैनी माने, जल्दी से बताओ आंसर, कैनी का क्या होता है, वेरी गुड, गुड आदित्य वर्मा। ना तुषार, ए नहीं, कैनी माने क्लेवर होता है, चलाक जो हम कनिंग बोलते हैं ना, कनिंग। टिमिड, टिमिड होता है डरपोक, डरपोक का नियर अबाउट शाय हो सकता है बच्चे, ठीक है, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं है टिमिड का ये, बट हाँ नियर अबाउट है, इसलिए इसको इसका आंसर ये बन सकता है शाय, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, ओके एम्बेसडर, एम्बेसडर,
Tell me the meaning of this. Yes, of course. Embezzle means A, appropriate. Bilkul sahi. Okay, find out the correct spelling of these words, na? Chaliye. Amateur. Amateur ke correct spelling kaun se inme se? You have the four spelling, bachche. Theek hai, choose the correct spelling. You have the four spelling. Correct find kijiye. Amateur ka correct spelling kya hai? Yes, it's B. Bilkul sahi hai. A-M-A-T-E-U-R. Amateur. Accessory. Correct spelling of accessory. It's D. A-C-C-E-S-S-A-R-Y. Accessory. Next. Jubilee. Jubilee. Correct spelling. J-U-B-I-L-L-E. Jubilee. It's A. Beginning. Bahut easy hai. Beginning. Jaldi se bataiye. Very good. C. B-E-G-I-N-N-I-N-G. Beginning. Next. Anniversary. Anniversary. A-N-N-I-V-E-R-S-A-R-Y. Anniversary is A. Next. One word substitution hai bache. First ka apna ko diya nahi hua. Chalo 46 se start karte hai. The study of civilization through their material remains. Kuch bache huye jo material kuch reh jata hai. Ek puri sabhyata ke uske study karne wale ko kya kehte hai? Yes, it's called archaeology. A option. A person skill in many languages. A person skill in many languages. Linguist. One who can't be corrected. Jise theek nahi kiya ja sakta. Bilingual hota do language wala. Grammarian kon hota jo grammar ke karte hain construction aur banate hain grammar ko jo banate hain. Okay, पढ़े लिखे को स्कॉलर बोल देते हैं. One who can't be corrected, incorrigible. A. ठीक है. And a fictitious name assumed by an author. जो उनका असल में नाम नहीं होता, सिर्फ assume किया जाता है. एक imagined name होता है एक author का. जब writing के दौरान बहुत से writers करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? It's B बच्चे, pseudonym. और इसको pseudonym नहीं बोलते, इसको pseudonym बोलते हैं. इसके प्रोनाउंसिएशन अलग है, ठीक है? सुडोनियम, करेक्ट? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द सैंपल पेपर ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2018 ऑफ जीके 4-6 क्लास 6. ओके, इन दिस सेक्शन, इन जीके सेक्शन यू हैव 50 क्वेश्चंस. ओके, आई विल डिस्कस विद यू क्वेश्चन नंबर from question number 51. Okay, these questions are so easy. Some are difficult. I will discuss with you. Yes, in this GK section, question number 51. Which of the following train runs between New Delhi and Wagha? In dono ke beech mein kaun si train run karti hai? Kaun si jaati hai? Shatabdi Express, Thar Express, Maitri and Samjhota Express. What will be the answer? Its answer is D. Samjhota Express runs between the New Delhi and the Wagha. Blood fails to clot while flowing in the blood vessel because of the presence of blood vessels. Jinke andar hamara blood kya karta hai? Flow karta hai. Ye veins hoti hain, arteries hoti hain, blood vessels jinke beech mein hamara blood flow karta hai. कभी कभी हमारे ब्लड में क्लॉट्स हो जाती हैं, मींस बड़े बड़े क्लॉट्स बन जाते हैं
वो किस वजह से होते हैं, वो प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से होते हैं, और इस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है, प्रोथ्रोबिन। इट्स आंसर इज बी, प्रोथ्रोबिन। इट इज, देखिए प्रोथ्रो से ही क्लियर हो रहा है, इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। जब आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपके ब्लड्स के क्लोट बनने शुरू हो जाते हैं, मींस आपके जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर आपका ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है। एंड दिस होमोग्लोबिन तो हेल्प ही करता है आपके ब्लड को फ्लो करने में, तो ये तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है होमोग्लोबिन। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी से बाहर करता है। क्वेश्चन नंबर 53, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल इन 400 मीटर रन। कौन सी ऐसी फर्स्ट वुमेन थी जिसने एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीता था 400 मीटर रन में? पीटी उषा, के मालेश्वरी, कमलजीत संधू, एम वलक्ष्मणा। व्हाट इज द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर? इट्स आंसर इज सी, कमलजीत संधू इज द आंसर। आंसर इज सी। ओके, इट्स आंसर इज सी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वर कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा? भीमिसार ऑफ मगाधा। इट्स आंसर इज फर्स्ट, इट्स आंसर इज फर्स्ट ए, भीमिसार ऑफ मगाधा। ये आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस बेसिकली आपको लर्न करने पड़ेंगे। द कैनाल विच लिंक्स अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन। कौन सी ऐसी कैनाल है जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को आपस में लिंक कराती है? इट्स आंसर इज सी, पानामा। ओके, इट्स आंसर इज सी, पनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? सुंदरबंस, एमेजोन बेसिन, ग्रीनलैंड और कोंगो बेसिन। व्हाट विल बी द आंसर? इट्स आंसर इज सी, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। वाइडल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। ये फीवर चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इट्स आंसर इज मलेरिया, कोलेरा एंड टाइफाइड। व्हाट विल बी द आंसर? इट्स आंसर इज डी, टाइफाइड। इट्स आंसर इज डी, टाइफाइड। ओके, वाइडल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? ये आपका 2017 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? इट्स आंसर इज बुर्ज खलीफा। इट इज इन दुबई एंड इट इज 2717 फीट लॉन्ग। ओके, और ये कब बनी थी आपकी? 2009 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। तो ये कौन सी है? बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 59, विच फ्रूट हैज द मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट? किस फ्रूट में मैक्सिमम प्रोटीन्स होते हैं? मैंगो, एप्रिकोट, बनाना एंड एवोकेडो। इट्स आंसर विल बी एवोकेडो। इट इज फाउंड इन मैक्सिको, ये मैक्सिको में मिलता है साउथ में, एवोकेडो। एंड इट इज रिच इन प्रोटीन्स, ये रिच है प्रोटीन्स में। ओके, ये कहाँ ग्रो होता है? मैक्सिको में। हु प्रपोज ग्रीन हाउस इफेक्ट इन 1825? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या था? ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स जो गैसेस मैक्सिमम सनलाइट को कैप्चर करती हैं और हमारे ऊपर एटमोसफेयर से बाहर नहीं जाने देती, ये किसने सर्च किया था? हु प्रपोज दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस? इट इज प्रपोज बाय जोसेफ फॉरियर। इट्स आंसर इज बी, ओके, जोसेफ फॉरियर। एंड डू यू नो द ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस? द गैसेस विच एब्जॉर्ब द मैक्सिमम सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन लेयर एंड वाटर वेपर्स, दीज ऑल आर कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, इन विच ईयर डिड सर अहमद हिलरी सॉर्च द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट? कब कंप्लीट किया था उन्होंने? इट्स आंसर इज बी, 1953। इट्स आंसर इज बी। ओके,
In which year did Sir Ahmed Hillary reach the summit of Mount Everest? ठीक है, इट्स आंसर इज 1953. यू हैव टू लर्न दिस. क्वेश्चन नंबर 62. फैथोमीटर इज यूज टू मेजर. फैथोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको क्या यूज किया जाता है, किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? इट्स आंसर विल बी अर्थक्वेक और रेनफॉल, ओशन डेप्थ और साउंड इंटेंसिटी. व्हाट विल बी द आंसर? इट्स आंसर इज ओशन डेप्थ. ओके, इट्स आंसर इज ओशन डेप्थ. फैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ओशन डेप्थ. हु इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी इन इंडिया? किसने किया था सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस इंडिया में? इट्स आंसर इज सी लॉर्ड वेलेस्ले. ओके, ही इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी इन द इंडिया. What is the name of the longest dam in India? India ke longest dam kaun sa hai? Tehri Dam. Its answer will be first. Tehri Dam. Its answer is A. Okay. Question number 65. In which city Firoz Shah Kotla cricket ground is situated? Where is Firoz Shah Kotla cricket ground? It is in New Delhi. Okay, its answer is New Delhi, C. Okay, next question, number 66. Which is the correct sequence of the rivers Godavari, Mahanadi, Narmada and Tapti in the descending order of their length? Means, inki length ke according aapne inko order karna hai. Okay, means high se kam, means largest length, then usse kam, then usse kam, then usse kam length. So its answer is B, Godavari, नर्मदा, महानदी एंड तप्ते. ओके, लर्न दिस क्वेश्चन. बेटा आपको क्या करना है पेपर में, एक तो दो बार क्वेश्चन को रीड करना ही करना है, टू टाइम्स एंड देन ऑप्शंस, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे. ओके, आंसर. हु हैज वोन द मैन सिंगल्स फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन 2018? किसने किया था मैन सिंगल्स फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट विन? इट्स आंसर विल बी डी, राफेल नाडल. ओके, इट्स आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68. व्हाट इज द व्हीकल ऑफ गॉड इंडिया? ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, व्हीकल ऑफ गॉड इंडिया. इट्स आंसर इज एरावत. ओके, इट्स आंसर इज ए. Which state is known as the rice bowl of India? Means सबसे ज्यादा राइस कहाँ ग्रो किए जाते हैं? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. इट्स आंसर विल बी आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 70. नेम द ऑथर ऑफ द बुक गोदान. गोदान के ऑथर कौन थे? इट्स आंसर विल बी हरदेव, मुंशी प्रेमचंद, जयदेव और रामदेव. हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? इट्स आंसर इज बी, मुंशी प्रेमचंद इज द ऑथर ऑफ द बुक गोदावन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO? इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनीवा, माद्रिद और पेरिस. वेयर इट विल इट इज? Its answer is Geneva. Its answer is B, Geneva. Okay. Next question, 72. Which of the following dance is a solo dance? Solo dance means जो अकेले किया जाता है. What is the answer? Kuchipudi, Yakshanagan, Odissi or Uthaimulal? Its answer is D, Uthaimulal. ओके, इट इज अ सोलो डांस. ये सिंगल किया जाता है, एक सिंगल पर्सन इसको परफॉर्म करता है. ठीक है. इन विच स्टेडियम वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इनऑर्गेनेटेड? कहाँ स्टार्ट किया गया था ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स? इन विच स्टेडियम? इट इज इनऑर्गेनेटेड फ्रॉम इंदिरा गांधी इंदौर न्यू डेली. इंदौर न्यू डेली. ओके, इट्स आंसर विल बी बी. The brain fever which affects young children is? Young children's के brain को कौन इफेक्ट करता है? कौन सा फीवर? मलेरिया, टाइफॉइड,
और एंसीफेलाइटिस एंड निमोनिया, व्हाट विल बी द आंसर? इट्स आंसर विल बी एंसीफेलाइटिस. ओके, इट्स आंसर इज एंसीफेलाइटिस. विच इज द हाई, ये एक टाइप का फीवर है बेटा, ओके, ब्रेन फीवर. विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालयस इन इंडिया? विच वन इज द, कौन सा है इसका आंसर? विल बी के टू. इट इज इन कश्मीर. ओके, के टू. के टू इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालयस इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. 76, इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट बताइए. राजस्थान तो सबसे लार्जेस्ट है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और गोवा. इट्स आंसर विल बी डी, गोवा. व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको कितनी एज चाहिए? इट्स आंसर विल बी 30 ईयर्स. विच टू कंट्रीज प्लेड द फाइनल ऑफ सॉकर वर्ल्ड कप 2018? किन दो कंट्रीज ने प्ले किया था फाइनल? इट्स आंसर इज बी, फ्रांस एंड क्रोएशिया. ओके, क्वेश्चन नंबर 79, वेयर विल द नेक्स्ट समर ओलंपिक्स गेम 2020 टेक प्लेस? समर ओलंपिक्स 2020 कब खेली जानी थी? वेयर, कहाँ खेली जानी थी? इट्स आंसर विल बी बी, ओके, जापान. द नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड एट? वेयर इट इज लोकेटेड? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट, इट इज इन पटियाला इन पंजाब. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, नेम द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कर्नल ऑफ आर्मी इन इंडियन नेवी. इंडियन नेवी के जो कर्नल होते हैं उनके इक्विवेलेंट रैंक बताइए आर्मी में. कमांडो, कमांडर, कैप्टन, ग्रुप कैप्टन और कमांडो. इट्स आंसर इज कैप्टन. ओके, कैप्टन इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कर्नल ऑफ आर्मी ऑफ इंडियन नेवी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, इन ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज द, ये तो आपको विदाउट ऑप्शन पता होना चाहिए. ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? इट इज फेम्यूर, थाई बोन, जो आपकी लेग की अपर बोन होती है, थाई बोन, दैट इज कॉल्ड फेम्यूर. फेम्यूर इज द लॉन्गेस्ट बोन. नेक्स्ट, नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वॉटर लेक इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश लेक बताइए. रीड कीजिए एंड देन इट्स आंसर विल बी लेक बाइकल. इट्स आंसर इज ए, लेक बाइकल. ओके, क्वेश्चन नंबर 84, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? विदाउट ऑप्शन पता होना चाहिए. इट्स आंसर इज मरकुरी. ओके, क्वेश्चन नंबर 85, हु इज द फर्स्ट अवार्डी टू गेट परमवीर चक्र? परमवीर चक्र किसको मिला था सबसे फर्स्ट अवार्डी, कौन था इसका? इट्स आंसर इज मेजर सोमनाथ शर्मा. इट्स आंसर इज डी, एंड इट इज द हाईएस्ट अवार्ड. ओके, इट्स आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 86, हु वॉज द कंपोजर ऑफ अवर नेशनल एंथम? हमारे नेशनल एंथम के कंपोजर कौन थे? ये भी बिना ऑप्शन पता होना चाहिए आपको. इट्स आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर. आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 87, द वर्ल्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम? सत्यमेव जयते जो हमारे द वर्ल्ड, ये कहाँ से लिए गए थे स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया? इट इज टेकन फ्रॉम द उपनिषद. उपनिषद से लिया गया था, ये हमारी एक रिलीजियस बुक है जिससे ये वर्ड्स लिए गए थे, सत्यमेव जयते. क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया? पीस टाइम मींस जो एनिमी में पीस सेल्फ सैक्रिफाइस करते हैं, इट इज द अवार्ड विच इज नेम एज अशोक चक्र. अशोक चक्र हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है. क्वेश्चन नंबर 89, विच नॉवल हैज वोन द 2018 गोल्डन मैन बुकर प्राइज? नोवेल बुक कौन सी थी 2018 की गोल्डन मैन बुकर प्राइज? इट्स आंसर इज बी, द इंग्लिश
patient, English patient. Okay. Question number 90. Question number 90. Which of the following crops helps in fixing nitrogen fixation? Nitrogen fixation कौन सी क्रॉप्स में हेल्प करता है? मीन्स एक बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबिया विच हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. जो रूट्स खुद नाइट्रोजन नहीं ले पाती, ये बैक्टीरिया हेल्प करता है नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में, उनको केमिकली कन्वर्ट करके देता है उन प्लांट्स को. तो विच इज दैट प्लांट विच इज नॉट अनेबल टू टेक अप नाइट्रोजन? इट्स आंसर इज डी, ग्रीन पीज. ओके. Question number 91. What is the time taken by moonlight to reach India without option? Its answer is 1.3 seconds. Next, question number 92. Polythene is industrially prepared by the polymerization of? Its answer will be ethylene. Okay. Which country is the largest producer of rubber in the world? China, India, Thailand or Italy? What will be the answer? Its answer is Thailand, C option. Question number 94. Which ocean separates North America and Western Europe? Kaun separate karta hai, kaun se ocean? Pacific, Northern, Arctic and South Atlantic. Its answer will be Arctic Ocean, C option. Question number 95. Which of the following Department of India government takes care of education of children with physical disabilities? You know the answer. Its answer is welfare. Okay. A option. Question number 96. In the Western countries, the constellation Saptarishi is known as. Western countries mein constellation, a group of stars ko kya bola jata hai? Saptarishi ko, sorry. Its answer will be Big Dipper. Okay. Saptarishi ko Big Dipper bola jata hai Western countries mein. Name the third largest continent of the world. World ka third largest continent batai. Asia to first hai. Then Africa. Then North America and then South America. What will the answer? Its answer is North America. Okay. Which of the following is a cellulose fiber? Cellulose fiber means jo waste material se banaya jata hai, like wood ka waste material, leaves or bark. Its answer is cotton, wool, rayon or polyester. Its answer is rayon. Okay. Which one among the following is the nearest to Tropic of Cancer? Tropic of Cancer ke near kaun si state hai? Dekhe. Patna, Ranchi, Roorki or Varanasi. Its answer is Ranchi, B option. Question number 100. With which games is Santosh Trophy associated? Santosh Trophy kis ko di jati hai? Kaun si game ke player ko di jati hai? Its answer is National Football Player. Okay. Okay, thank you. Have a nice day. And aapko jo bhi is video mein doubt hai ya koi bhi problem hai, aap comment section mein write kar sakte hain. All the very best for your exams. Today I am going to discuss Rashtriya Military School sample paper 2018 for class 6. और ये आपका पार्ट टू वीडियो है. पार्ट वन मैं आपको बता चुकी हूँ जिसमें आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, 50-25 मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. इस वीडियो में मैं आपके साथ 25 क्वेश्चंस और शेयर करूँगी, ठीक है, डिस्कस करेंगे हम. देखिए क्वेश्चन नंबर 75. वी डिड क्वेश्चन नंबर 75. क्वेश्चन नंबर 76, लेट अस से द थाइपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स? थाइपुसोमिक फेस्टिवल होता है जो तमिल कम्युनिटी में मनाया जाता है ऑन फुल मून वाले दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल. इसमें वहाँ के लोग फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं, मीन्स टोटली वेजिटेरियन ईट करते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स.
So it is related to which religion? It is related to Hindu religion. Its answer is C. Okay, question number 77. Hero India Open tournament is related to which among the following sports? हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करता है? ये आपको पता होना चाहिए. इट्स आंसर इज सी, गोल्फ. ओके, पंडित शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विद द इंस्ट्रूमेंट. पंडित शिव कुमार किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते हैं? वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? तो इट्स आंसर इज संतूर. ओके, इट्स आंसर इज बी, संतूर. क्वेश्चन नंबर 79. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द विड्थ टू द लेंथ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? हमारा जो झंडा है, नेशनल फ्लैग है, उसकी वेट और लेंथ कितनी है? रेशियो पूछी गई है बेसिकली. इट्स आंसर इज 2:3. और ये आपका बहुत सारे पेपर्स में कवर हुआ है, सैनिक स्कूल में भी ये क्वेश्चन आता है. तो इसको लर्न कर लीजिए. 2:3. हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? हमारे इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेजिडेंट, जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा सर्विसेज दी हैं अपनी, वो कौन से प्रेजिडेंट हैं? इट्स आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. इट्स आंसर इज सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. क्वेश्चन नंबर 81. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज द मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर क्या यूज किया जाता है? मींस हमारे जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, फास्ट स्पीड में मूव करते हैं, उनको स्लो डाउन करने के लिए, उनको मॉडरेट करने के लिए, मींस उनको स्लो करने के लिए कौन सा रिएक्टर यूज किया जाता है? विच इज यूज, इट्स आंसर इज ग्रेफाइट इज यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. ओके, आंसर इज बी, ग्रेफाइट. क्वेश्चन नंबर 82. नेम द प्लांट दैट ब्रिंग स्लीप. ऐसा प्लांट बताइए, ओ ऐसा फ्रूट बताइए या प्लांट बताइए जो हमें स्लीपिंग में हेल्प करता है. जिन लोगों को सोने में प्रॉब्लम होती है, उनको स्लीप में अच्छा हेल्पफुल कौन सा फ्रूट है? इट्स आंसर इज पाइन, बिकॉज पाइन हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन बनाता है 266% मोर. ओके, इट्स आंसर इज डी, पाइन. वेयर वॉज गुरु नानक देव बोर्न? गुरु नानक देव जी कहाँ पे बोर्न हुए थे? इट्स आंसर इज अमृतसर, लुधियाना, जलंधर और तलवंडी. इट्स आंसर इज तलवंडी. नाउ इट इज इन पाकिस्तान. ये पाकिस्तान में है तलवंडी शहर. ठीक है, यहाँ पे किसका जन्म हुआ था? यहाँ पे श्री गुरु नानक देव जी का बर्थ हुआ था. विच कंट्री इज नोन एज होम ऑफ स्पाइस? स्पाइस तो सभी को पता होगा, मिर्ची. हम कौन सी कंट्री ऐसी है जिसको होम ऑफ स्पाइस बोला जाता है? इट्स आंसर इज श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश और मलेशिया. इट्स आंसर इज बी, इंडिया. ओके, इंडिया को जहाँ हम रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? होम ऑफ स्पाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, सॉरी क्वेश्चन नंबर 85. हु मेड द फेमस पेंटिंग मोनालिसा? मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई थी? इट्स आंसर इज लियोनार्डो डा. इट्स आंसर इज बी, लियोनार्डो डा ने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी, और ये बहुत सारे म्यूजियम्स में भी लगी हुई है. ठीक है, नेम द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड. ऐसा बर्ड बताइए जो बैकवर्ड फ्लाई कर सकता है. इट्स आंसर इज हमिंग बर्ड. एंड हमिंग बर्ड इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट बर्ड. हमिंग बर्ड को स्मॉलेस्ट बर्ड भी बोला जाता है. ठीक है, और ये बैकवर्ड भी फ्लाई कर सकता है. इट्स आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 87. व्हाट इज एन ईवीएम? ईवीएम किसकी फुल फॉर्म है? इट्स आंसर इज इलेक्ट्रिक वोटर मशीन. बी इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन एंड डी इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनुअल. इट्स आंसर इज बी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. यू हैव टू लर्न दिस. ओके, लाइफ गुड इज एसोसिएटेड विद विच ब्रांड? लाइफ गुड देखिए इसी से ही क्लियर हो रहा है. एल जी, एल फॉर लाइफ, जी फॉर गुड. तो इट्स आंसर इज एल जी, बी आंसर. ओके, लाइफ गुड इज एसोसिएटेड विद एल जी.
इन्वेंटेड द टेलीविजन? टेलीविजन किसने बनाया था? फिलिप्स, वाटरमैन, जे एल बिलियार्ड और बेंजामिन? इट्स आंसर इज जे एल बिलियार्ड. और इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है? जॉन ली बियार्ड. ओके, इट्स आंसर इज जॉन ली बियार्ड. इट्स आंसर इज जे एल बियार्ड. लर्न दिस. What is the meaning of the word yoga that is derived from Sanskriti? हमें ये बताइए कि word yoga संस्कृत में कैसे डिराइव हुई है. योगा का मीन्स बेसिकली मीनिंग क्या है? मेडिटेशन, यूनियन, ट्विस्ट एंड रिलैक्स. देखिए, आपको सारी ऑप्शंस इसकी एक जैसी लग रही होंगी, बट संस्कृति में यूज को क्या बोला जाता है? टू ज्वाइन, और एनर्जी, और यूनिवर्सल एनर्जी. ठीक है, तो यूनिवर्सल इसी से क्लियर हो रहा है. इट्स मीनिंग इज यूनियन, टू ज्वाइन और टू रीगैदर. ओके, इट्स आंसर इज यूनियन. योगा मीन्स बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. योगा इज अ गिव्स यू एनर्जी ना, सो इट्स आंसर इज बी, यूनियन. इन विच सिटी जामा मस्जिद इज लोकेटेड? जामा मस्जिद कहाँ है, कौन से शहर में है? इट्स आंसर इज ए, दिल्ली. Whose slogan is freedom from hunger for every human in the world? ये Americans ने start की थी. So whose किसका slogan था ये? Its answer is FAO, Food and Agriculture Organization. Its answer is FAO. Okay. Question number 93. ध्यान से पढ़ना है आपने basically questions को. Means अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो उसको 2 times पढ़िए. ठीक है, और अगर फिर भी नहीं आ रहा प्लीज रॉन्ग मत कीजिएगा, उसको स्किप कर दीजिए. ठीक है, ओके. द पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द वॉटर लेवल इन द ओशियन इज कॉल्ड, मीन्स वॉटर का अप एंड डाउन होना, फॉल एंड राइज होना, दैट इज कॉल्ड टाइड. ओके, ये हमने चैप्टर में भी किया था. नेक्स्ट इज विच इज द वेन्यू ऑफ 2020 ओलंपिक्स? 2020 ओलंपिक्स का वेन्यू क्या था, कहाँ होनी है ये? इट्स आंसर इज टोक्यो. इट्स आंसर इज डी, टोक्यो. गोल्डन रेवोल्यूशन रेफर्स टू? गोल्डन रेवोल्यूशन को और क्या बोला जाता है? सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मिल्क प्रोडक्शन और एग प्रोडक्शन. इट इज रेफर टू हॉर्टिकल्चर. मीन्स हॉर्टिकल्चर मीन्स बेसिकली होता है हनी की जो कल्चर होता है, हनी को प्रोड्यूस करना. मीन्स एक टाइम ऐसा था 1991 टू 2003 तक लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड हनी का व्यापार किया था, तो उसको बेसिकली एक नेम दे दिया गया था हिस्ट्री में, गोल्डन रेवोल्यूशन. इट्स आंसर इज बी, हॉर्टिकल्चर. ओके, क्वेश्चन नंबर 96. Who has the first Indian-born basketball player to get selected in National Basketball Association? कौन थे first Indian-born basketball player जिन्हें National Basketball Association में select किया गया था? Its answer is Satnam Singh, A option. Who among the Commonwealth Chess Championship title 2020? किसने जीता था chess का Commonwealth Games? Its answer is Abhijit Gupta. Okay, B option. Which of the following is a renewable energy? Renewable energy basically आपकी 5 हैं: solar, wind, water, biomass and geothermal. Okay, तो इसमें से देखिए, आपको solar, wind, water, biomass and geothermal में से कुछ दिख रहा है, तो its answer is B, wind. Okay. बेसिकली ये जो ह्यूमंस यूज करते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइक वुड इज यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, वाटर एंड विंड इज यूज फॉर माइनिंग ग्रेन्स, एंड सोलर इज यूज फॉर लाइटनिंग फायर्स. ओके, सो इट्स आंसर इज बी, विंड. ओके, विंड इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स. वट इज द कैपिटल ऑफ कोसोवो? कोसोवो की कैपिटल क्या है? इट्स आंसर इज प्रिस्टीना. ओके, ए ऑप्शन. What is PRAM? Basically PRAM क्या है? PRAM is a parallel machine, a series of supercomputer design. ठीक है, तो ये किससे relate करता है? Parallel machine is related to computers. Its answer is supercomputers में एक design किया गया था, एक series design की गई थी जिसको बोला गया था PRAM,
So its answer is computer. It is related to computers. Okay. तो बेसिकली ये था आपका सैम्पल पेपर 2016 आरएमएस. देखिए कितना इजी सैम्पल पेपर है, बस आपको लर्न करना है इसमें बेसिकली. ठीक है, तो हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसका मतलब आपको 50 क्वेश्चंस लर्न हो चुके हैं. ठीक है, आप डेली हमारी वीडियोस देखिए, हम नई नई वीडियोस डालेंगे, उससे आपको और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. तो ओके, हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.